प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर सुल्तानपुर से आ रही है। सुल्तानपुर के मुंगरे गांव में नवनिर्मित इमाम बाड़े के विवाद में पुलिस की लापरवाही से हुआ खूनी खेल। तीन लोगों को लगी गोली, एक की हालत गंभीर। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मुगर गांव में बन रहे इमाम बाड़े की जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिस पर 145 की कार्यवाही हुई थी और निर्माण कार्य रोक दिया गया था। 5 दिन पहले दबंगों ने पुलिस की मिली भगत से बुलडोजर लगा के इमामबाड़े के नवनिर्मित पिलर और दीवारें गिरा दी थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उल्टा पीड़ितों पे ही दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अंजुमन के लोग इमामबाड़ा परिसर के बाहर ही धरने पे बैठे थे। आज शाम को दबंगों ने वहीं पहुंचकर घात लगाकर अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें तीन लोगों को गोलियां लगी। वैंकार हैदर और कंबर गंभीर रूप से घायल हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए असगर आजम की रिपोर्ट। देखिए, सुल्तानपुर में थाना गोसाईगंज में जिस तरीके से चार पांच लोग से दबंग लोग जमाती हजरात इस तरीके से वहां के ऊपर इमामबाड़े को लेकर निशाना बना रहे थे, और मैं मुसलसल एसपी सुल्तानपुर से बात कर रहा था और उनके पीआरओ जो थे वो मुसलसल मेरे रास्ते में थे। मगर जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वैसे कार्रवाई नहीं हुई।